हिंद दोस्तों तो आइए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ टीचिंग्स देखते हैं जैसे कि डायरेक्ट मैथड क्या होता है बाइलिंग्वल मैथड क्या होता है और ट्रांसलेशन मैथड क्या होता है ट्रांसलेशन मैथड को ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड भी कहते हैं क्लासिकल मैथड भी कहते हैं तो आइए इन तीनों को वन बाई वन डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इन तीनों के हम मेरिट्स एंड डी देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं किस डायरेक्ट मेथड से कि इंग्लिश पढ़ाने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है तो देखिए डायरेक्ट मेथड नाम से ही आपको ज्ञात होगा कि डायरेक्टली मतलब आप अगर किसी को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश इन द लैंग्वेज इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश इट मीन द टीचिंग इंग्लिश इन मीडियम इंग्लिश यू आर नॉट यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज यू आर नॉट यूजिंग एनी मदर टंग दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट लैंग्वेज दिस इज वाट रिटेन यर द डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज जो भी आपका लक्ष्य है ना जो भी आप लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं वाट एवर योर टारगेट लैंग्वेज इज इफ यू आर यूजिंग अ दैट मीडियम टू टीच दैट लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट लैंग्वेज बट हियर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं वी आर लॉ टिंग अबाउट द इंग्लिश मैथड ऑफ टीचिंग सो हियर द टारगेट लैंग्वेज विल बी in English okay so the direct method of a teaching English means टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली इन टू इंग्लिश समझ में आ गई इसको डायरेक्ट कह, मीडियम कहते डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग कहते हैं नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है अ टीचर डज नॉट यूज द मदर टंग इन द क्लास इट इज द कंपल्सरी फॉर द टीचर दैट ही इज नॉट सपोज टू यूज अ सिंगल वर्ड ऑफ अ मदर टंग अ सिंगल वर्ड ऑफ अदर लैंग्वेज समझ में आ रही बात द टीचर डज नॉट यूज द मदर टंग इन द क्लास अ नॉर द स्टूडेंट आर अलाउड टू डू दैट समझ में आ रही बात नो बड़ी इज अलाउड टू यूज अ डिफरेंट लैंग्वेज वाट एवर द लैंग्वेज यू आर टीचिंग यू आर सपोज टू यूज दैट लैंग्वेज ओनली दिस इज़ वाट द डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इज सो द डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज नो बडी इज अलाउड टू यूज मदर टंग ओके समझ में आ गई बात ओके okay. दिस मैथड इज़ टोटली कॉन्ट्रास्ट ऑफ़ द ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेटेड लैंग्वेज का टोटली totally कॉन्ट्रास्ट है टोटली totally अपोजिट है क्यों क्योंकि ट्रांसलेशन लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं हम उसको आगे देखेंगे लेकिन यहाँ डायरेक्ट मेथड को समझिए कि द डायरेक्ट मैथड में द टीचर एंड द स्टूडेंट द बोथ आर नॉट अलाउड टू यूज एनी अदर लैंग्वेज एनी अदर लैंग्वेज ओके इट इज दिस इज द टोटली कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ट्रांसलेशन लैंग्वेज एंड द टीचर टीच वर्ड्स बॉय पॉइंटिंग टू आउटिंग टू द ऑब्जेक्ट और अ पिक्चर और बाई परफॉर्मिंग एक्सेस नाओ द क्वेश्चन इज इफ द टीचर इज नॉट अलाउड टू यूज द मदर टैंग देन हाउ द टीचर विल मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड ऑफ द लैंग्वेज कैसे समझाएगा द टीचर विल टीच बाई पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स और बाई परफॉर्मिंग किसी वस्तु को एग्जाम्पल्स दे के पॉइंट करके या कोई एक्शंस करके आपको बच्चों को समझाना है इन द डायरेक्ट लैंग्वेज यू आर नॉट सपोज टू यूज योर मदर टंग चीज़ें समझ में आ रही है आप किसी ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट कर लीजिए किसी पिक्चर की तरफ पॉइंट कर लीजिए और कोई आप परफॉर्मेंस एक्टिंग को परफॉर्म कर लीजिए ठीक है तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल अबाउट टीचिंग इंग्लिश इन टू इंग्लिश समझ में आ गई इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्या है प्रिंसिपल सबसे पहला प्रिंसिपल है कि डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड द वर्ड्स व्हेन यू आर टीचिंग समवन इंग्लिश इन इंग्लिश व्हाट वुड हैपन द स्टूडेंट विल थिंक इन इंग्लिश एंड दे विल स्पीक इन इंग्लिश देर इज नथिंग A medium language in between that they, there is a di relation between thought and the words using this method a learner thinks and is speaking using the same medium Agar aap kisi ko English direct language when you are not using any other language what happened the student will think in English and they will speak in english it means the direct relation between thought and the words right Oral speaking practice. If you are teaching in English, then they will listen in English and they will speak up in English, means they will develop their oral speaking skills. Okay, got it.

जो कार्यरत है जो काम करिए मींस इफ द समथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट फॉर्म इन द इन द प्रेजेंट टाइम यू आर सपोज टू यूज द प्रेजेंट टेंस कुछ ऐसी चीजें बताइए कि जो चीजें प्रेजेंट में और यूज प्रेजेंट टेंस द थिंग्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर यूज द फ्यूचर टेंस दर इज नो काइंड ऑफ अंफेसिस ऑन द थियोरटिकल ग्रामर कि जिस हिंदी वाक्य क्रियाकंद में गा हैगी आएगी तो फ्यूचर टेंस होगा नो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज यू डोंट हैव टू यूज तो इसमें क्या होता है भाई द स्ट्रेस इज ऑन अ फंक्शनल ग्रामर ये इसका प्रिंसिपल है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं नो यूज़ ऑफ अ मदर टंग इसकी एक और प्रिंसिपल क्या है कि इसकी मदर टंग की यूज़ नहीं होनी है लिमिटेड वोकेबलरीज मतलब यह है कि अगर आपके पास लिमिटेड वोकेबरी है दिस मेथड एडवोकेट्स द यूज़ ऑफ अ लिमिटेड वोकेबलरी डेली यूज द वर्ड्स वर्ड मस्ट बी फ्रॉम रिक्वायरमेंट और नीड्स ऑफ द लर्नर मतलब आपको डेली थोड़े बहुत यूज़ करना है लिमिटेड वोकेबलरी को याद करना है सीखना है और उसे यूज करना है सेंटेंस एज द यूनिट ऑफ स्पीच आपको थोड़े थोड़े सेंटेंसेस करके बोलने हैं हियर द यूनिट ऑफ स्पीच इज़ द सेंटेंस जो सबसे छोटी इकाई होगी ना आपके बोलने की वो एक सेंटेंस होगी एक वाक्य और तो मतलब क्या भाई

ठीक है तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का एग्जैक्ट मतलब ये हुआ ना कि रहस्य को रहस्य रहने दो मगर जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो कुछ अलग फॉर्म बन जाएगा इसीलिए डायरेक्ट मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब कि कि डोंट लेट द कैट मतलब रहस्य को रहस्य रहने दो बात को उभारो मत ठीक है गड़े मुर्दे मत उखा तो ये मतलब तो आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे यही कह रहा है इन द टीचिंग ऑफ वकैब्स वोकेबलरी सच एज वर्ड इडियम्स दिस मैथड इज गुड समझ में आ गई बातें अच्छा नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट so, क्या है भाई इसका एडवांटेज एज देयर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशंस इट हैल्स द लर्नर हैविंग अ गुड फ्लुएंसी जब इंग्लिश में ही सोचेगा इंग्लिश में ही बोलेगा तो उसकी फ्लुएंसी क्या हो जाएगी अच्छी हो जाएगी ठीक है इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जनरल एंड फ्रॉम द कंसरेट टू एब्सट्रैक्ट इसकी चीज़ें क्या होगी मतलब मतलब ये है कि आप बेसिक से एडवांस की तरफ आप मूव करेंगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इट मेक्स द टीचिंग इंग्लिश ईजियर मोर प्रिजेंट आसान बनाता है और सुविधाजनक बनाता है अ टीचर यूज वेरियस इमेज पिक्चर्स एंड इलिस्टेट हिज हर पॉइंट समझ में आ ये रही बात ये टीचिंग ये को क्या बना देता है आसान बना देता है और अच्छा बना देता है प्लीजेंट बना देता है ओके दिस मैथड क्रिएट्स द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज द बेस्ट थिंग जब आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा एक एग्जाम्पल से ना जो जो इन्वायरमेंट होगा वो टोटली totally इंग्लिश में क्रिएट हो जाएगा और इससे क्या होगी आपकी अंग्रेजी आसान हो जाएगी और प्लीजेंट भी हो जाएगी नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखते हैं तो एज अ यूनिट ऑफ स्पीच द डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस ठीक है छोटी इकाई क्या भाई सेंटेंस है स्टूडेंट लर्न टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस विदाउट हैजिटेशन जब वो शुरू से ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लगेंगे तो उनके अंदर की हेजिटेशन खत्म हो जाएगी वो जो नर्वसनेस है ना वो खत्म हो जाएगी तो वो बच्चे फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज हैं डायरेक्ट स्पीच के बट ये जो बेसिक्स और इंपॉर्टेंस है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ क्या है भाई सबसे पहले उनकी ओरल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उनकी वो एडबिलिस मतलब इडियम्स वर्ड में इस एडवांटेज ये डायरेक्ट मेथड का एडवांटेज है भाई फ्लुएंटली आ जाएगी फ्लुएंसी आ जाएगी बच्चों के अंदर क्योंकि जब वो इंग्लिश में ही सोचेंगे और इंग्लिश में ही एक्सप्रेस करेंगे तो उनके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी और ये मेथड क्या होता है भाई आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाता है और ये इंग्लिश सीखने के लिए आसान होता है और प्लीजेंट भी होता है और ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और दूसरा क्या होता है बच्चे बिना हेजिटेशंस के बोल लेते हैं ये तो इसका एडवांटेज हो गया अब जब डायरेक्ट को इंग्लिश को ही इंग्लिश में पढ़ाएंगे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे क्या होगा डिसएडवांटेज वो ये है कि भाई जो एवरेज बच्चे हैं जो बिलो एवरेज बच्चे हैं स्पेशली फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं ना वो काफी डिफिकल्ट होगा उनको चीजों को समझने के लिए क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना है तो थोड़ा जो ना लोअर स्टूडेंट और एवरेज लोअर स्टूडेंट है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी ठीक है नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज यह है कि जब आप कोई एड्स यूज करेंगे मतलब कोई आप टेक्निकल गैजेट्स यूज़ करेंगे चीज़ों को बताने के लिए तो आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा ठीक है दिस इज एन एक्सपेंसिव मेथड एज द टीचर इज़ टू यूज सम एड्स ठीक है थोड़े से एक्सपेंसिवे ओके नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज क्या है फॉर दिस मेथड कॉम्पिटेंट मतलब स्किलफुल एक आपको ना कुशल और स्किलफुल टीचर चाहिए क्योंकि सारे लोग तो टीचर इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा नहीं पाएंगे तो वो टीचर जो, जो खुद स्किलफुल होगा वो टीचर जो खुद में एक अच्छे से ट्रेंड होगा वही इस चीज़ को पढ़ा सकता है सो तो फॉर दिस मैथड कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट बी देयर बट देर इज़ अ डेर ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर इन कंट्री बहुत अच्छे टीचर्स की कमी हो जाती है जो ऐसे टीचर जो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा सके नेक्स्ट ये दोस्तों इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग दिस मेथड इज कंप्लीटली अनयूजफुल छोटे बच्चे जो जिन्होंने रिसेंटली अपना स्टडी स्टार्ट किया है तो ये मेथड उतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप मदर टंग का यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे ओके द बैकग्राउंड एट होम मस्ट ऑल्सो बी अ फॉरन लैंग्वेज मतलब आप अंग्रेजी को क्लासरूम में तो अंग्रेजी सिखा रहे हैं मगर घर पर बच्चा जाके वही अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो घर का बैकग्राउंड भी होना चाहिए अगर घर का बैकग्राउंड नहीं है द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश वेल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम मैथड समझ में आ रही बात जिसके पेरेंट्स इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी वो क्या होंगे आ, उसको उनको बेनिफिट होगा और जिनके बच्चे जिनके पेरेंट्स अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते उनको उतनी बेनिफिट नहीं मिलेगी ठीक है तो चीजें समझ में आ रही कि नहीं मजा आ रहा है कि नहीं देखिए बहुत आसान से शब्दों को मैं यहाँ पे लेके आया हूं ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसको आपको रटने की जरूरत है तो उम्मीद है आपको दोस्तों डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बिल्कुल आ गया इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ में आ गया आ गया अब बात करेंगे बाई लैंग्वेल बाई लैंग्वेल बाई सॉरी बाई मेथड की और ट्रांसलेशन uh, मेथड की लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में ओके अब आप कमेंट में बताइए कि आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया कि नहीं आया और कितना समझ में आया कैसा लगा यह वीडियो और नेक्स्ट uh, जरूर देखिएगा बाइलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन मेथड बहुत बहुत शुक्रिया इस दो वीडियो को देखने के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों